नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। यमी बाइट्स विद मी में आज हम बनाएंगे क्रिस्पी कॉर्न। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हम लेंगे 3 कप स्वीट कॉर्न कर्नल्स, 1 कप प्याज पत्ता, 1 कप हरा धनिया, 2 चम्मच मैदा, 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर, 5 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 2 चम्मच चावल का आटा। और हम लेंगे मसाले, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 5 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, सादा नमक, काला नमक दोनों 1/2 चम्मच और 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर। आप चाहे तो नींबू भी ले सकते हैं। इसके लिए आप कोई भी वेसल में पानी डालेंगे, 2 से 3 ग्लास। इस पर हमें एक छलनी को रखना है। फिर मैं लूंगी 3 कप स्वीट कॉर्न, आप चाहे तो फ्रोजन भी ले सकते हैं, और उन्हें अच्छे से धो लें और इस छलनी पे डाल दें। यदि आप फ्रोजन वाले लेंगे तो आपको 1 घंटे पहले उन्हें पानी में भिगोना होगा। अब इसे अच्छी तरह स्प्रेड करके इसके ऊपर एक प्लेट से कवर कर दें। अब मीडियम फ्लेम पे 15 मिनट के लिए उबलने दें। पंद्रह मिनट हो चुके हैं, अब आप देख सकते हैं ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसे 5 मिनट के लिए स्टैंड पोजीशन में रख दें ताकि सारा पानी निकल जाए। आप इसे प्रेस करके भी चेक कर सकते हैं कि सही तरीके से उबला है या नहीं। अब हमें सारे कॉर्न को एक बाउल में डालना है। इसमें हम डालेंगे मैदा, कॉर्नफ्लोर और चावल का आटा। पाव चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच नमक। और काली मिर्च पाउडर। अब 2 से 3 मिनट तक हल्के हाथों से हमें मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स करने के लिए आप चाहो तो 1 चम्मच पानी ऐड कर सकते हो। बस ऐसा ही तैयार करना है हमें। अब हम एक छन्नी लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके छान लेंगे ताकि एक्स्ट्रा आटा निकल जाए। बहुत ज़्यादा नहीं छानना है वरना सारी कोटिंग निकल जाएगी। हमें हल्का हल्का ही करना है। अब ये तैयार है। अब हमें एक पैन में तेल लेना है। तेल गरम हो गया है, अब इन सबको तेल में डाल दें। थोड़ा थोड़ा करके ही फ्राई करें। फ्लेम को हमें मीडियम रखना है, बहुत ज़्यादा एक ही बार में ना डालें। अगर आपने गलती से डाल दिया हो तो एक प्लेट से कवर कर दें। बस ऐसे ही फ्राई करना है हमें। अब इसे टिश्यू पेपर पे निकाल दें। अब हम मसाले डालेंगे। सारे मसाले एक साथ ना डालें, पहले आधा डाल लें फिर अपने हिसाब से टेस्ट करके और डाल लें। आप चाहे तो चाट मसाला भी डाल सकते हैं। अब इन्हें अच्छी तरह मिक्स कर लें। आप चाहो तो बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और प्याज दोनों भी ऐड कर सकते हैं। अब इन्हें प्याज पत्ता और हरा धनिया के साथ गार्निश करें और एकदम गरम गरम सर्व करें। ठंडे होने पर ये बिल्कुल नरम हो जाएंगे। आप इसे ऐसे ही खा सकते हैं या फिर सॉस भी ऐड कर सकते हैं। तो एंजॉय कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ।
और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ, तब तक धन्यवाद।